मेघालय के मुख्यमंत्री तथा एनपीपी के अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सीडब्ल्यू मोमिन को 8,400 वोटों से हराकर दक्षिण तुरा उपचुनाव जीत लिया है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार पीयूष मार्वेन ने एनपीपी के मार्टिन एम डंगो को 2,800 से अधिक वोटों से मात देते हुए रानीपुर विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। चुनाव जीतने के बाद संगमा ने अपनी जीत के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह दक्षिण तुरा के लोगों का प्यार है जो चुनाव के नतीजे के रूप में सामने आया है। Now I'd like to first of all thank the people of South Tura for their support in this election. I would also like to thank all our MDA partners who have really worked very hard, sacrificed and supported me and my candidature, and Madam Agatha Sangma also sacrificed a seat for me. Yes, it has been a good election. I think people of Tura have really put their faith and trust. It's not about me alone, but it's about the government. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो लोग हथियारों की चोरी के केस में शामिल हैं, उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने ये बात उस समय कही जब वे सोमवार को नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी और बीजेपी सरकार के बीच भागीदारी पर संवाददाताओं को बता रहे थे। आपको बता दें कि इम्फाल में सितंबर 2016 और 2017 के बीच द्वितीय मणिपुर राइफल्स बटालियन के शस्त्रागार से 56 पिस्तौल और 58 मैगजीन्स चोरी हो गए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इस अहम केस में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तफ्तीश अभी जारी है। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन। NIA is doing his own job, and I think the old relevant old accused will be booked soon. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को कल त्रिपुरा में भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर 1800 जूनी नगर विधानसभा क्षेत्र में एक विश्व यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का आयोजन विधायक रामप्रसाद पॉल ने किया। यज्ञ में क्षेत्र के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यज्ञ के मौके पर विधायक रामप्रसाद पॉल ने भी अटल जी की अस्थियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर धार्मिक गुरुओं ने अटल जी की आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का जाप किया। धार्मिक यज्ञ के बाद अटल जी की अस्थियों को रविन्द्र भवन से रैली के रूप में दशमी घाट ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव और बीजेपी के अन्य मंत्रियों ने अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया। इस एरिया का जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, सब मिलके हम लोग एक कार्यक्रम लिया जो इनका आत्मा का शांति के लिए, ये देश का जनता के लिए जो किया, और ये देश का 125 कोटी जनता प्रयाण का कारण से सूखा है, धूखा है, तो इस कारण से हम लोग आज यहाँ पे है विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया। अभी ये तो ये कार्यक्रम चल रहा है अटल जी का आत्मा कामना के लिए, पूरा भारत का अटल जी वाजपेयी का जो दिखाया, अभी हम लोग को सुना, इनकी तो देहत हो गया, इसीलिए 18 सूर्यमणि नगर जो हमारा विधायक है राम प्रसाद पाल, उनका नेतृत्व एवं युव मुश्रा नेतृत्व एक कार्यक्रम का चालू किया। আমরা ত্রিপুরাতে 8টি নদীতে পবিত্র নদীতে বিসর্জনের জন্য সবাই একত্রিত হয়ে জাতি দল মত নির্বিশেষে যেটা আমাদের ধর্ম ছিল সেই ধর্মকে পালন করতে আমরা হাওড়া নদীতে পৌঁছেছি এবং ওনার অস্থি বিসর্জন দিয়েছি আমার সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডল এবং আপামর জনসাধারণকে নিয়ে। আমি আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে চাই, আমরা যে নতুন সরকার গড়েছি সেই নতুন সরকারের ক্যাবিনেটকে নিয়ে অটলজির দেখাওয়া যে রাস্তা, যে সেই রাস্তাতে গিয়ে আমরা 125 কোটি জনতাকে কিভাবে 2022 সালের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বানানোর জন্য স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করতে হবে।
आज से 53 साल पहले 27 अगस्त 1965 को आज ही के दिन मणिपुर सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बर हमला करवाया था। यहां तक कि मुख्य आयुक्त कार्यालय परिसर में कुछ छात्रों की जान भी चली गई थी। यह छात्र सरकार की तरफ से पैदा की गई कृत्रिम किल्लत का विरोध जता रहे थे। उस दिन छात्रों ने जिस बर्बरता को झेला था उसी ने अगले दिन यानी 28 अगस्त 1965 को अखिल मणिपुर छात्र संघ को जन्म दिया। सोमवार को उन मृतकों की याद में राज्य के स्कूली छात्रों, छात्र नेताओं और अभिभावकों ने 53वां हंगर्स मार्चर्स डे मनाया। अखिल मणिपुर छात्र संघ ने हंगर्स मार्चर्स डे का आयोजन करते हुए अमसु का झंडा फहराया और मृत छात्रों के स्मारकों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान रैली भी निकाली गई। प्रदर्शनकारी मणिपुर में इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग कर रहे थे, साथ ही मणिपुर के इतिहास को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने की मांग उठा रहे थे। Today is the 27th of the August, the Hunger Masters Day. We, the student community, we the Manipuri observe as a Hunger Masters Day. Chak Lam Labu Singhi Kongchuts. On this day, on 1965, 27 August, there is a food scarcity have occurred by the colonial system of India, and our government have exploited our natural resources. Paddy fields have produced many crops. But at this time, on 1965, 27 August, we the Manipuris cannot eat any food. All the children and all the teachers and all the communities have the face of the scarcity of food. सन 1980 से त्रिपुरा राज्य आतंकवाद का दंश झेल रहा है। इस अवधि में जहां कई लोगों को अपने घर बार गंवाने पड़े, वहीं कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। यहां तक कि महज 2 जिलों में आतंकवाद की वजह से 6,000 से अधिक परिवार बेघर हो गए, जबकि सरकार की तरफ से सिर्फ 202 परिवारों को ही पुनर्वास मिला है। राज्य सरकार ने इन परिवारों को भूमि प्रदान की है। त्रिपुरा पर 25 साल राज करने के बावजूद CPIM ने इन प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम नहीं किया, इसलिए अब ये परिवार BJP नेत गठबंधन सरकार से पुनर्वास की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।